नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया रेसिपी लेके आई हूँ, एक पिकल का रेसिपी। तो आपने खाया है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा लगा और जिसने भी खाया बहुत ही इसका अप्रिशिएट किया। तो मैं आप लोगों के साथ आज ये रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए जैक फ्रूट पिकल का रेसिपी लेके आई हूँ, जैक फ्रूट के सीड्स का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। मैं कहूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करके देखें इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैकफ्रूट सीड्स मैं ले रही हूँ 1 कप। तो पहले हम इससे ही शुरू करते हैं। पहले जो ये बाहर का स्किन है हम उसे निकाल देते हैं। बाहर का जो व्हाइट स्किन था मैंने निकाल दिया है, अब मैं ये ब्राउन वाला स्किन भी निकाल दूंगी। तो देखिए सीड्स को आपको ऐसे रेडी करना है। आपको पहले व्हाइट वाला ऊपर का जो है वो निकालना है, फिर वो ब्राउन वाला जो स्किन उसे निकालना है। जैकफ्रूट सीड्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे, 4-5 सीटी लगा लेंगे। इसको सॉफ्ट करना है तो मैं ये प्रेशर कुकर ले रही हूँ। प्रेशर कुकर में मैं सारे सीड्स डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा सा नमक भी ऐड कीजिए बॉईल करते समय। मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। कुकर को मैं बंद कर रही हूँ। मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। अभी इसे हम 4-5 सीटी लगा लेंगे। इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है सीड्स को। जैकफ्रूट सीड्स को मैंने बॉईल कर लिया है। तो चलिए कुकर खोल के देखते हैं। ये अच्छे से बॉईल हो गया है। मैं अब इसे निकाल रही हूँ। मैंने सारा निकाल लिया है। अब इसमें हल्दी मल के हम 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जैकफ्रूट सीड्स को मैंने बॉईल करने के बाद हल्दी मल के इसे 5-6 घंटे के लिए फैन के नीचे रख दिया है। तो अभी देखें ये कैसा लग रहा है। ये ऐसा हो गया है। अभी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। पिकल के लिए मैं जो मसाले ले रही हूँ मैं आपको बोल देती हूँ। मस्टर्ड ऑयल मैं ले रही हूँ 1/2 कप, विनेगर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, सौंफ का पाउडर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर मैं ले रही हूँ 1/2 टेबलस्पून, हींग मैं ले रही हूँ 2 पिंच और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। सॉल्ट आप डालिए स्वाद अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अब तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी। तेल हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। मैं अब मसाले डाल रही हूँ। पहले मैं इसमें हींग डालूंगी। अब सारे मसाले एक एक करके डालेंगे हम और मिक्स कर देंगे अच्छे से। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अभी मैं जैकफ्रूट सीड्स डाल रही हूँ इसमें। एंड में मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। तो देखिए हमारा बढ़िया सा अचार, जैकफ्रूट सीड्स का अचार तैयार है। मैं अब इसे बोतल में भर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों बढ़िया सा जैकफ्रूट सीड्स का पिकल हमने बना लिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर बहुत पसंद आया होगा। देखिए ये जो अभी तैयार किया था मैंने, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत डिलीशियस है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। डू प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।